हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुश और आज की रेसिपी में हम बनाने वाले बनाना मिल्क शेक। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें हम ऐड करते हैं बनाना और साथ में मिल्क। जैसे कि फ्रेंड्स, मिल्क में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी बॉन्स भी स्ट्रांग बनती है। और साथ में जो फ्रेंड्स हम बनाना लेते हैं तो बनाना में आयरन और मिनरल्स की मात्रा भरपूर पाई जाती है। और जब भी आपको वीकनेस फील हो आप इसे फटाफट से बनाकर पी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी भी। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने लिए दो बनाना, बिल्कुल फ्रेश है ये, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने आइस क्यूब लिए, शुगर लिए और फ्रेश क्रीम लिए, ये घर की क्रीम है, और फुल क्रीम, एक गिलास दूध लिया है। इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था मिल्क को। मिल्क जब हमारा बॉईल हो गया था उसके बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे रख के, और उसके बाद मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था जिससे कि हमारा जो मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो गया है। और इसी तरह का मिल्क चाहिए होता है बनाना शेक बनाने के लिए। तो अब ऐड कर रहे हैं हम इसमें शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे हम इसमें आइस क्यूब। आपको जितना ज़्यादा चिल्ड पीना है आप उतनी आइस क्यूब इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे हम इसमें बनाना। तो बनाना को पीसेस में कट कर लेते हैं और इसे भी मिक्सी जार में डाल लेते हैं। बनाना मिल्क शेक एनर्जी ड्रिंक है, इसे पीने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा। तो चलिए आप मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। चलिए इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। और अब ऐड करें हम इसमें मैंगो। मैंगो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। मैंगो को मैंने अच्छे से धोकर छील लिया था, छील के मैंने इसे कट करके डाला है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें बनाना। बनाना को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब ऐड करेंगे हम जो हमने इसमें बनाना मिल्क शेक तैयार किया है उसे डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है ये, और ये पीने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें घर की फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप अमूल की भी डाल सकते हैं। अब ऐड करेंगे हम इसमें मैंगो, मैंगो के पीसेस। और अब ऐड करेंगे हम इसमें बनाना दोबारा से। और अब ऐड करेंगे हम इसमें क्रीम। क्रीम डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें बादाम और थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस की कोई भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो, या फिर आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और इसे ऊपर से मैंगो से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं जिससे कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और अब ऐड करेंगे हम इसमें आइस क्यूब, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ऐसे में हर किसी को रिफ्रेशिंग पीने का मन करता है, तो इससे ये बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा और पीने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। लीजिए, हमारा बनाना मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रीमी बनाई है एंड कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, पीने का मन कर रहा है ना देख के। और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की है, जैसे कि हमने इसमें बनाना ऐड किया है और हमने इसमें ऐड किया है मैंगो, साथ ही हमने ऐड किया है इसमें ड्राई फ्रूट्स, और इसमें मिल्क ऐड किया है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना है। और जब भी आपका मन करे कुछ हेल्दी पीने का तो इसे फटाफट से बनाकर आप पीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।